सुबह सुबह अपराधियों ने कुख्यात टेनी को अपना निशाना बनाया। पटना सिटी के मिर्चाई गली के पास अपराधियों ने बीच बाजार टेनी को ठोक दिया। अब पुलिस महकमे में हरकंप मचा है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए पटना पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। कुख्यात टेनी जो हत्या के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है, उसको आज सुबह सुबह अपराधियों ने निशाना बनाया। शायद ये आपसी रंजिश या फिर किस बात पर बात बढ़ गई कि कुख्यात टेनी को बीच बाजार अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। पटना पुलिस महकमे में हरकंप मचा है। पटना पुलिस मौके वारदात पर पहुंची है और तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। एफएसएल की टीम के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये अपराधी कौन थे, क्या पूर्व में कुख्यात टेनी के साथ इसका कोई संबंध था या फिर मामला क्या है। आपको बताएं कि सब्जी लेने गए कुख्यात टेनी को बीच बाजार अपराधियों ने ठोक दिया और अपराधी आसानी से गायब हो गए। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी क्या कुछ कह रहे। सूचना मिला है कि विनोद कुमार और टेनी को गोली मारा गया है। हम लोग जख्मी को भेजे मिर्चाई गली के सामने है, दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर गली में। क्या पहचान हुई और किस तरह से घटना को अपराधी अंजाम दिए, क्या अभी तक जांच में पता चला है सर? गोली मारी गई है और यही पता चल रहा है कि विनोद कुमार टेनी जिसको गोली मारी गई है, आपराधिक छवि का है, पुराना काफ़ी उसका आपराधिक इतिहास है। एक साल पहले वो मर्डर केस में जेल गया था और वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। अभी सब्जी लेने आया हुआ था, सब्जी लेकर लौट रहा था, उसी क्रम में उस खाजे कला थाना क्षेत्र का रहने वाला है और खाजे कला से ही उसका पीछा किया जा रहा था। ये हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद पता चलेगा। दिन दहाड़े इस तरह से मर्डर हो जाना सर, पुलिस की गश्ती पर लग रहा है सर। देखिए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खोखा भी मिला है क्या सर? हाँ, कुछ खोखा मिला है। कितना बताया जाएगा आप लोग को, कुछ खोखा मिला है। तो आपने सुना, मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी का कहना है कि वो सब्जी लेने के लिए आया था और बीच बाजार अपराधियों ने उसे अपना निशाना बनाया। बीच बाजार टेनी नामक एक युवक की हत्या कर दी गई। जब पुलिस को पता चला, भागे भागे पटना पुलिस पहुंची और पता लगा कि ये व्यक्ति टेनी नाम का है और पहले भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। अब देखना है कि जिस तरीके से ये हत्या राजधानी पटना में दिन दहाड़े हुई है, पटना सिटी इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा है, तो क्या ये मामला किस मामले से जुड़ता हुआ नजर आता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।